हेलो दोस्तों, सीआरपीएफ एचसीएम स्टेनो की हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आज का यह वीडियो मंगल रेमिंगटन गेल टाइपिंग कोर्स का तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर उपलब्ध रेमिंगटन गेल हिंदी टाइपिंग के इसके पहले के सभी वीडियो डे बाय डे एक एक करके देख लीजिए। इसके पहले वीडियो में मैंने एक न्यू स्टूडेंट को हिंदी टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है, गाइडलाइन होम रो में पहले दिन आपको अपने हाथ कैसे सेट करने हैं और किस उंगली से आपको कौन सी की को प्रेस करना है, ये सब कुछ बताया गया है। गाइडलाइन का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद, साथ ही सभी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। तब तक इस वीडियो को सेव कर लीजिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी इसके आगे के वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इसके पहले के वीडियो का अभ्यास कर चुके हैं तो फिर आप इस वीडियो पर कंटिन्यू कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताई गई गाइडलाइन की कीज का अभ्यास कर लेने के बाद अब आपको आगे अपर रो की प्रैक्टिस करना है, यही मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, अपर रो आपकी ये QWERTYUIOP ये वाली लाइन जो आपकी ये अपर रो बोली जाती है। आपको करना क्या है, हाथ आपको यहीं पे गाइडलाइन पे ही रखनी है जैसा पहले दिन बताया गया था। जब आगे की जब भी जितनी भी एक्सरसाइज आएंगी आपको हाथ हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन आपकी गाइडलाइन होगी जो फर्स्ट एक्सरसाइज बताई गई थी, ठीक है, यहीं से आपको हाथ रखना है। आप स्टार्ट कैसे करना है आगे की जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये यहाँ से हाथ ऐसे उठा के रखेंगे, क्यू इस वाली उंगली से लेफ्ट हैंड की छोटी वाली फिंगर से क्यू और W इससे दबेगा, QW, तो Q के नीचे क्या बनेगा, छोटा U, फिर इसके ऊपर बनेगा बड़ा U, ठीक है, इससे बनेगा मा, फिर इससे बनेगा आपका ता, फिर इससे बनेगा जा, और इसी जिससे आप जिस इस वाली उंगली से T बना रहे हैं इसी उंगली को बढ़ा के आपको Y प्रेस करना है, तो Y के नीचे जो लेटर वर्ण बनेगा वो ला बनेगा, ठीक है। अब ये हाथ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपको हाथ को वापस अपनी गाइडलाइन पर लाना है, ठीक है। अब इस हाथ के अंगूठे से स्पेस देना है, अब ये आपका हाथ कंप्लीट हो गया। अब सेम एक्सरसाइज आपकी इधर से चालू करनी है, ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ये दोनों इसी से प्रैक्टिस होंगे, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इससे क्या क्या बन रहा है, देखिए इससे बनेगा आपका ये कॉमा बनता है, फिर इससे खा बनता है, आधी खा बनती है, ठीक है, फिर इससे आपका चा बनता है, फिर इससे वा बनता है, फिर इससे पा बनता है और इससे ना बनता है। इससे दोनों बढ़ा के करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। वापस हाथ आपका गाइडलाइन पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मा ता जा ला, वापस हाथ स्पेस कॉमा अधिका चा वा पा ना स्पेस, हाथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं प्रैक्टिस। इसी तरीके से आपको ये बोल बोल के ये आपको लेटर नोट कर लेने, अगर आपने PDF का प्रिंट नहीं निकाला है तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन आप स्क्रीनशॉट कैसे प्रिंट निकालोगे, अगर PDF निकालो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और नहीं तो फिर कॉपी में नोट करके अपने बाएं हाथ के इस दिशा में इस तरफ अपने बाएं हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको उस मैटर को रखना है, आपको उसको देख देख के टाइप करना है, ठीक है। ये आपको कीबोर्ड या कंप्यूटर की स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखना है बिल्कुल भी, ठीक है, इस तरीके से है क्यू डब्ल्यू वाले, ये आपको क्यू डब्ल्यू नहीं बोलना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद मा ता जा ला स्पेस, ठीक है, कॉमा खा चा वा पा ना स्पेस, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मा ता जा ला, ठीक है, कॉमा खा चा वा फा ना, ठीक है। ध्यान से हाथों को देखिएगा, ये हाथों को ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जल्दबाजी टाइपिंग में बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं करनी है, ठीक है। आप सोचो कि बिल्कुल एकदम से आ जाओ और एकदम से 10 घंटे टाइपिंग कर लोगे, एकदम से स्पीडर बन जाओगे, नहीं, बिल्कुल धैर्य पेशेंस के साथ टाइपिंग करते रहिएगा। एकदम से स्पीड नहीं आएगी टाइपिंग में, और अभी स्पीड के चक्कर में मत पड़िएगा, पहले शांति से इतना से एकाग्रता के साथ में टाइपिंग कीबोर्ड की सारी कीज को याद कीजिए, कौन सी की के नीचे कौन सा लेटर कौन सा वर्ण बन रहा है, ये अच्छी तरीके से अभ्यास कर लेने के बाद, और धैर्य रखिएगा सबसे ज़्यादा, बोर मत होइएगा। इसको अभ्यास कर लेने के बाद जब आप डे बाय डे आपके अंदर खुद न खुद दिन पर दिन सुधार आता जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल स्पीड के चक्कर में बिल्कुल भी अपने मन में विचार ही मत लाइएगा, अभी भी 1 महीना तक आपको स्पीड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। ये रेमिंगटन गेल टाइपिंग है, थोड़ी इनस्क्रिप्ट से थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो आपको फिर वही फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये 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 ये, ये ठीक है, इसे ठीक है, इसे कॉमा बनेगा, इसे खा बनेगा, इसे चा वा पा ना, हाथ वापस यहीं पे आएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मात्रा है, ठीक है, ये मा ता जा
और इसे ला, ठीक है, इस तरीके से। ये आपको ध्यान देना है, हाथ पेरे दब कैसे चलना है, इसी तरीके से आपको ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। मैं थोड़ा हाथ तेज साथ चला रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल धीरे धीरे और मन के अंदर बोल बोल के टाइपिंग करना है। बोलना बहुत ज़रूरी है, अगर बोलोगे नहीं तो नहीं याद होंगी, ठीक है। आपको लगेगा कि याद होगी, नहीं याद होंगी, फिर आगे चल के बोलोगे मुझे सोचना पड़ रहा है, कीबोर्ड देखना पड़ता है, हाथ रुक जाते हैं मैटर करने पर, इसलिए ये सब ना हो। तो इसलिए आपको कंटिन्यू ध्यान से, एक दिन ज़्यादा रहना है एक्सरसाइज में, लेकिन ध्यान से कंप्लीट करना, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है, जब तक तो याद ना हो जाए। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पे देखिए एक एक्सरसाइज शो कर रही है। जैसे मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज कैसे प्रैक्टिस करनी है, वही वही तरीका वही रहेगा। देखिए पहला वर्ड है जल, तो अब आपने ये दो रो की आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, ये वाली अपर रो और गाइडलाइन, ये दोनों की प्रैक्टिस हो गई है। अब इस एक्सरसाइज में जो भी शब्द हैं वो इन दोनों रो को मिला के ही वो शब्द बने हैं, तो अब आपकी इन दोनों रो की मिक्स प्रैक्टिस होगी। तो अब आपको करना क्या है, हाथ गाइडलाइन पे वैसे ही रखना है। अब जा आया तो जा इससे प्रैक्टिस की है, फिर ला इससे, ठीक है, जा जा ला जा ला जल जा ला जल जा ला 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 जा ला, ठीक है। इस तरीके से आपको एक शब्द की, पहले शब्द की 15 से 20 लाइनें टाइप कर लेनी है। इसी तरीके से जल आ गया, तल आ गया, वन आ गया, इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, इसी तरीके से परिवार तक आपको, परिवार देखो आया, दोनों रो को मिला के बना है। इसको धीरे धीरे आपको करना है, ठीक है। मैं तो थोड़ा तेज शायद कर, मेरे हाथ चलने लगे हैं, इसलिए आपको लेकिन बहुत धीरे धीरे सोच सोच के करना है, गलतियाँ नहीं करना है, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्पीड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। परिवार पा परिवार परिवार मैं थोड़ा तिरछा बैठा हूँ क्योंकि ये कीबोर्ड मेरे सामने तिरछा रखा है, कैमरा अगर उठ के मैं सीधा करूँगा तो फिर शायद आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ना, इसलिए मेरे हाथ थोड़े तिरछे हुए दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, ठीक है। आपको इसी तरीके से जैसे पूरी एक्सरसाइज जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रही है वो उसको आपको 15-15, 20-20 लाइनें एक एक वर्ड की टाइप कर लेना, ठीक है। जब 15-20 लाइनें आपकी टाइप हो जाएं, इसके बाद पूरा पैरा जैसे दिख रहा है, जल कल तल वन जय मत तज, इस तरीके से आपको इसको 5 बार टाइप कर लेना है, ठीक है। जल से लगा के परिवार जिस फॉर्मेट में दिख रहा है फिर इसको 5 बार टाइप कर लेना। पहले आपको ईच वर्ड की 15 से 20 लाइनें टाइप करनी है, जितने भी शब्द हैं इसमें समझ लीजिए कम से कम 30-40 शब्द हैं, इनको 20-20 लाइनें टाइप कर लेना है, फिर इसके बाद पूरे पैरा को 5 बार टाइप कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका रिविजन हो जाए एक बार। फिर जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे, अभी जितनी ज़्यादा इस बेसिक में प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आगे चल के आपको आराम मिलेगी और एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। होता क्या है, जल्दबाजी में लोग बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और मैटर भी करने लगते हैं, लेकिन स्पीड भी आ जाती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी और टाइपिंग स्किल टेस्ट में एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए सही एक गलती करने पर आपके सही के 10 शब्द कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। स्पीड के चक्कर में भी ना पड़िए, अगर एक्यूरेसी आ जाएगी तो स्पीड अपने आप धीरे धीरे आने लगती है और बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है टाइपिंग का, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको कीजिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, CRPF HCM या किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, या स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं, या अन्य किसी का, बहुत से लोग होते हैं प्राइवेट जॉब करने के लिए भी हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि इसके बाद के टाइपिंग एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे अगले वीडियो में, धन्यवाद।